माई यूट्यूब फैमिली अंजलि दुबे चैनल। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है संडे और एक बार मैं चाय पी ली, अभी थोड़ा सा चाय बचा था तो वापस मैं ले ली। आज मैं इडली बनाने वाली हूँ, तो आज मैं आप लोगों के साथ इडली की रेसिपी शेयर करूँगी कि मेरे घर में मैं कैसे इडली बनाती हूँ। और मुझे सिखाया है मम्मी और भाभी दोनों ने। सांभर बनाना तो भाभी ने ही सिखाया है, इडली भी भाभी ने ही सिखाया है। और चटनी मैं बहुत कम बनाती हूँ, चटनी भाभी बनाती हैं। तो अगर मेरे सामने अगर भाभी बनाती नहीं होगी तो फिर मैं खाली रहूँगी तो वीडियो बना लूँगी, और अगर नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। और आज बहुत काम है, कल भी बहुत काम है, और दो तीन दिनों से मैं कोई भी वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स था तो इसलिए। पर अभी सब कुछ ठीक है तो मैंने सोचा कि चलो अब शुरू करती हूँ। और प्याज काट रही हूँ सांभर के लिए, बारीक बारीक काटूँगी। और इसके बाद बच्चों को पहले खिलाना है दूध बिस्किट, दोनों को खिला लूँ। बाबू का चाय हो गया है, दोनों को दूध बिस्किट खिला लूँ, फिर मैं इडली बनाने में लगती हूँ। तो अभी जा रही हूँ, बच्चा परी का बर्थडे है तो उसका शॉपिंग करने, शॉपिंग क्या परी को कपड़ा लेने के लिए। और सुबह इतना जल्दी जल्दी हो गया ना कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई इडली बनाने का। क्या हुआ ना कि मैं इधर बच्चों को खिला रही थी, तब तक पापा बाथरूम में चले गए नहाने के लिए, और पापा नहाने के लिए जाते हैं, बाहर निकलेंगे तो उनको जो भी बना रहेगा वो चाहिए खाने के लिए, नहीं रहता है तो पापा बिना खाए चले जाते हैं। तो मैंने क्या किया ना, जल्दी जल्दी सांभर बना दिया, भाभी ने चटनी बना दिया, मम्मी ने इडली रख दिया, तो काम में से ख़त्म हो गया है। ख़त्म क्या मतलब, पापा को नाश्ता बना दिया जल्दी से। ये जो थैला भर के दिख रहे हैं ये कपड़े देने वाले हैं, देखो कब दिलाते हैं किसी को जिनको ज़रूरत हो। सुबह इडली ना इतना ज़्यादा बन गया था गलती से, तो अभी इडली फ्राई की हूँ, थोड़ा भाभी खाई है और थोड़ा मैं खाई हूँ इडली। तो ऐसा ही होता है जब कुछ ज़्यादा हो जाता है तो मुझे और भाभी को खपाना पड़ता है, हम लोग खपाते भी हैं, लेकिन थोड़ी इडली बच गई थी तो आज उसको फेंक दी हूँ। जो सूट है ना इतना हैवी, इसका घेर इतना ज़्यादा है, सूखा नहीं है अभी ये, और धुलने पे इतना ही हैवी हो जाता है ना कि उठता ही नहीं पानी में जाते ही। एंड ऑल्सो प्यारा लगता है ये ना, मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम मैंने लिया था बनारस से, और ये मैंने ना ट्रेंड्स लिया था। इतना इसका घेर ना, बहुत घेर है, प्यारा तो लगता है इसका प्रिंट, बट ना बहुत लाइट हो गया है, पता नहीं क्यों कैसे प्रिंट इसका लाइट हो गया, अदरवाइज ठीक है। इसको डाल देती हूँ। ये दुपट्टा भी मैंने लिया था बनारस से ही, रोड साइड से लिया था दुपट्टा, क्योंकि मैंने जो सूट, मैं गई थी मेरे हस्बैंड के साथ, तो क्यों लिया था, बहुत इमरजेंसी में लिया था ये दुपट्टा। तो करीब करीब 2 साल से दुपट्टा ऐसे, मैं बस एक बार जब मैंने लिया था मार्केट से तुरंत ही यूज़ किया था, और एक बार मैं इसको, ये आ जाओ, बाबू दीदी कहाँ है? नहीं अभी 13th floor है ना, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो ग्राउंड पे जाने गए ना। हाँ तो सबसे पहले ना मैंने साड़ी लिया था करवा चौथ का, मेरा और दीदी का, मम्मी का, तो सबसे पहले मैं वो ले रही हूँ। इसके बाद बच्चों का कपड़ा देखूँगी। और ये है, यहाँ से लेने गई, जब लेने गई थी तो इतना अच्छा कलेक्शन नहीं दिख रहा था, पर अभी ज़्यादा ही अच्छी साड़ियाँ दिख रही है। यहाँ परी का कपड़ा लेने के लिए रुकी हूँ, कपड़े तो अच्छे थे पर इतना भीड़ दुकान में था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ट्रायल रूम भी एकदम भरा पड़ा था, तो कहाँ से चेंज कराती, तो चेंज ही नहीं करा पा रही थी। ये वाला बहुत अच्छा लगा था पर इसमें था नहीं,
था नहीं, मतलब जो साइज परी को था वो साइज नहीं था, बड़ी साइज थी, तो बड़ी साइज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। परी बाबू कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा है अच्छा है, गिर जाओ। बाबू 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 नहीं परी। तो अभी हम लोग आए परी का हेयर कट कराने के लिए, यहाँ भी इतनी भीड़ थी ना, हम लोग 10-15 मिनट वेट किए, फिर लगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर हम लोग निकल गए। अब देखते हैं कब, दीपावली के पहले तो कराना ही है हेयर कट। कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ, सब जो पहले की साड़ी और ब्लाउज वगैरह दिया गया था उसको हम लोग लेकर आए हैं, और परी का कपड़ा, बाबू का कपड़ा, हेयर कट कुछ ही नहीं हुआ है। और अभी मेरे हस्बैंड गए हैं केक बुक करने, मतलब केक का ऑर्डर देने, कल परी चॉकलेट लेकर जाएगी तो वो भी लेकर आ जाए, क्योंकि सुबह फिर टाइम नहीं मिलेगा, कहीं जाना रहेगा हस्बैंड को। तो बाकी अब सारा काम कल होगा दोपहर में, इसको स्कूल से जल्दी ही बुला लेंगे हम लोग, छुट्टी करा लेंगे स्कूल से, तो दोपहर में जाएंगे। इतनी भीड़ मार्केट में खड़े होने की जगह नहीं किसी भी दुकान में, तो बेहतर यही लगा कि अब घर चलते हैं, टाइम भी बहुत लेट हो रहा है। बच्चों को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, बाबू वैसे ही भाग रहा है कहीं भी, तो बिल्कुल भी नहीं। अभी गिफ्ट भी लेना है परी का, देखती हूँ क्या गिफ्ट लूँगी, नहीं तो फिर देखती हूँ क्या करना है। आईब्रो वगैरह भी बनाना है, कल बहुत काम रहेगा, आईब्रो भी करना है, मम्मी के साड़ी का पेटीकोट वगैरह भी कल ले लूँगी, मम्मी के दीदी का और मेरा भी लेना है, तो सभी सारा काम कल होगा, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बिल्कुल भी जगह नहीं था मार्केट। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मम्मी और दीदी को कौन सी साड़ी लेकर आई हूँ, कैसी लेकर आई हूँ। दीदी की साड़ी तो मुझे बहुत 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 पसंद आई है, लेकिन मुझे एक ही साड़ी लेना था तो इसलिए मैं ये नहीं ले पाई, अगर मुझे दो साड़ी लेना होता तो ये भी ज़रूर लेती। और बहुत प्यारी सी साड़ी, एक तो हल्की है ये और बहुत लाइट वेट ये साड़ी है, मतलब कभी भी कैसे पहन लो। और इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो ये है आई थिंक 1700 या 1800 समथिंग है, इस पर है नहीं लिखा हुआ, पर बहुत प्यारी सी ये साड़ी है, बहुत प्यारी साड़ी है ये, एंड आई एम श्योर कि दीदी को ये साड़ी बहुत पसंद आएगा 100%। इसका पेटीकोट कर लूँगी, ब्लाउज़ अंदर है वो सब मैं लगा के रख दूँगी, कल दीदी आएंगी परी के बर्थडे में तो दीदी को दे दूँगी, ठीक है। ये मम्मी की साड़ी, मम्मी को हल्की साड़ी चाहिए थी, हैवी साड़ी नहीं चाहिए थी, लास्ट टाइम मम्मी को मैंने हैवी साड़ी दिया था तो पहनाता ही नहीं है, मम्मी बोलती हैं तो ये बिल्कुल, और मम्मी ना पतले बॉर्डर वाली साड़ी पहनना पसंद करती है, तो पतले बॉर्डर वाली साड़ी है, और ये भी बहुत सुंदर सी साड़ी है, और मम्मी पहनेंगी ना तो मम्मी के ऊपर ये कलर भी बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल लाइट सा पिंक लाइट वाला कलर है, और गोल्डन सा, और ऐसे लाइनिंग लाइनिंग है, तो मम्मी के ऊपर ये साड़ी भी अच्छी लगेगी। मैं पूरा खोलूँगी नहीं यार, क्योंकि ना फिर फोल्ड नहीं होगा अच्छे से, तो देखने में और देने में अच्छा नहीं लगेगा। इस पर अभी ना क्या बोलते हैं, श्रृंगार का सामान अभी कल तो मुश्किल है, श्रृंगार का सामान अभी कल तो मुश्किल है, कल नहीं तो फिर परसों धनतेरस है, परसों ही देखती हूँ, तो परसों करके मम्मी को दे दूँगी ये साड़ी, मम्मी का साड़ी मम्मी को, और दीदी का साड़ी तो कल ही दे दूँगी। तो ये दोनों हो गया, और अगर बात करूँ मेरे साड़ी की, तो अब करवा चौथ की साड़ी मैं पहनने वाली हूँ दीपावली पे, तो आप लोग उसी दिन देखिएगा, कुछ सरप्राइज़ ही होना ज़रूरी है। एंड ऑल्सो मम्मी की साड़ी का प्राइस मैंने नहीं बताया, मम्मी की साड़ी का प्राइस आई थिंक 1400 समथिंग है, ठीक है। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, एंड ऑल्सो अपना प्यार मुझे दीजिए, मेरे वीडियोस को पूरा देखिए, एंड चलो ठीक है गाइस, बाय।